सलाम राणा साहब, सलाम। आओ उसकर। सलाम वालेकुम। उठाओ अपना सामान। ओए रफीक बच्चा, चल उठा ले जरा, चल ले सामान, चलो बाबा, चलो। ओ राणा साहब, हमारा वादा के मुताबिक कल सुबह तक तुम्हारा पैसा तुम्हारा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। नहीं उसकर, आजकल मैंने हिंदुस्तान के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं। यह है मेरे स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर, इसमें जमा करवा देना। हो, ओ रफीक, एक पेटी छोड़ दो, कुछ तो सरकारी खाते में जमा करना पड़ेगा ना। अच्छा चलता है, खुदा हाफिज। चलो। हेलो, कंट्रोल रूम। यस सर। मैं डीआईजी जयसिंह राणा बोल रहा हूँ सर। गौर से सुनो, मैंने आतंकवादियों का असला पकड़ लिया है और मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, लेकिन हमारा एक ऑफिसर और ड्राइवर भी शहीद हो गए। इसलिए मलेर कोटला गांव में फॉरेन पुलिस फोर्स भेजो और एम्बुलेंस भी। ओवा। इस लिस्ट को ध्यान से देख ले, ये पूरा असला 15 अगस्त से पहले चाहिए। इतना असला? पूरा शहर को उड़ाना है क्या? मैंने तो सुना था कि अजगर शिकार निकलने के बाद सो जाता है, मरने वाले की जन्मपुत्री नहीं देखता। ओए तेरा बातों में तेवर है भाई। डिलीवरी यहाँ पर नहीं, सुंदरनगर में चाहिए। सुंदरनगर में? और पैसा? अरे मिल जाएगा, असला मिलते ही तेरा पैसा भी मिल जाएगा। सिमरन जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ हाँ आई। वो लोग सोनी कर रहे होंगे। हाँ माँ, तुझसे कहा था ना नहाने से पहले कपड़े छत पर सुखाने के लिए रख के आना। तुम सुखा दो ना। अरे बाबा, शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। चल। अरे बीना, ये कपड़े भी सुखा दे। अच्छा बीबी जी। तुम छत पर क्या कर रहे हो? ये जी कुछ नहीं। तुम आई हो या मैं अकेले जाऊं? जी आई, जल्दी वापस। चलो भाई, देर हो रही है। हाँ माँ। अब सोच क्या रही है? चल। चलती हूँ। बैठ बैठ। हाँ। ओके। छोटू जी, ये बादल कहाँ घूमोगे आज? पता नहीं जी, आज सुबह से नहीं आया। बर्बाद हो गया, मैं बड़ा परेशान हूँ भाई जी। ओ भाई साहब, आपकी परेशानी अभी दूर किए देते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? ओ मेरी गाड़ी? क्या मेरी गाड़ी तो छूट गई भाई साहब। छूट गई? हाँ, मेरी नई नई शादी हुई, इस शहर में नया आया हूँ। आज पहली बार हनीमून मनाने चला आया था। पता नहीं मेरी बीवी किधर गुम होगी, बड़ा परेशान में यार। ओ भाई साहब, अगर आपकी बीवी गुम गई है तो आप मेरे गैरेज में क्यों आए? ओ यार, मेरी बीवी बड़ी भोली है पाजी, किधर लिफ्ट दिया होगा, गाड़ी में बैठ गई होगी। अब गाड़ी खराब भी हो सकती है, ठीक ठाक कराने इधर आया होगा, उस हिसाब से आया हूँ। बड़ा परेशान हूँ भाई साहब। देखो भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी खराब है तो मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर ये आपकी बीवी का मैं क्या करूँ जी? मैं वो यार, गाड़ी में बीवी में क्या फर्क है यार? वो चलते चलते गाड़ी बिगड़ जाती है, बैठे बैठे बीवी बिगड़ जाती है। तो फिर पार्ट कौन सा खराब है ये तो बताओ। अरे पार्ट क्या, पार्ट की बात करो, नई नई शादी हुई, पार्ट की बात करो, तुम्हारा दिमाग खराब है? एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से दिमाग खराब करो तुम। वो देखो भाई साहब, आपकी अगर बीवी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करो ना। ओए पुलिस स्टेशन में जाओ तो तरह तरह के सवाल करते हैं, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, किधर हुई है, कैसे हुई है, दिखने में तुम्हारी बीवी कैसी है, काली है, गोरी है, बैठती कैसी, चलती कैसी, हजार सवाल करते हैं, दिमाग तुम्हारा एक ही है ना। ओ भाई साहब, आप सिर्फ इतना बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अच्छा आप पता लिख लो भाजी। हाँ बताओ, पता बताओ। इंडिया मोस्ट वांटेड दिल्ली। बिल्लो की आवाज है। बिल्लो, बिल्लो तू कितने? मैंने आपको कहा कहा नहीं ढूंढा, चिड़िया कर गई, पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन? और नहीं तो क्या, गुम होना था तो हनीमून मना के गुम होते। लो पहली बार मैं गुम हो गया। सॉरी फॉर ट्रैक्टर यार, मैं कंफ्यूज हो गया। लो पकड़ो। आज की बार है पाजी? आतवार है, लगता है होटल जाके वर्ल्ड बार है। अब चलो। आज तो हमें बड़ी खुशी हो रही है सिमरन, कि हमारी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, लेकिन कल हम बहुत रोएंगे जब हमारी सोनी हमसे विदा होकर अपने घर चली जाएगी, है ना सिमरन? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे बड़ा डर सा लग रहा है जी। डर? डर किस बात का? वो
वो जो लड़का है ना हमारे घर में, वो कहीं हमारी बेटियों को कुछ। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो सिमरन, बादल अपना ही लड़का है, दया शंकर का रिश्तेदार है, वो दुकान पर ही होगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। दया शंकर बादल कहाँ है? पता नहीं भाई साहब, वो तो सुबह से ही काम पे नहीं आया। चलिए जी जल्दी घर चलिए। अच्छा क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है सिमरन? पापा हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बादल भैया पूरे घर को डेकोरेट कर रहे थे पार्टी के लिए। पर ये खून कैसा? मम्मा ये तो पेंट है, मैं वेडिंग एनिवर्सरी का बोर्ड बना रही थी, इसने शरारत की तो शर्ट पे लग गया। और वो गोली की आवाज, वो तो मैं टीवी में फिल्म देख रही थी मॉम। और आपने बादल भैया को क्यों मारा? मैं अपनी भूल के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी मां तो नहीं हूं, पर हूं तुम आज ऐसी। मां से भी भूल हो सकती है ना, मुझे माफ कर दो बेटे। ओए लाले दी जान, तूने इतनी रोशनियां की हैं तो मेरी जुगनी को दिखाएगा नहीं? कब से इंतजार कर रही हो, ये बादल अब तक आया क्यों नहीं? इन हवाओं में, इन पहाड़ों में तुझको तेरा सरदार पुकारे हो। हाय सियाप्पा, कितना सोना लव पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिधर लैला ने मजनू के साथ, हीर ने रांझा के साथ, जूलियट ने रोमियो के साथ, और टाइटैनिक की हीरोइन ने अपनी टेक्निक के साथ सुसाइड कर ली है। खुदकुशी की थी। ये खुदकुशी क्या होती है? खुदकुशी जो अपनी खुद की खुशी से नहीं होती है ना, उसको खुदकुशी बोलते हैं। अच्छा, सुसाइड? सुसाइड कुछ लोग सोकर साइड हो जाते हैं, कुछ लोग बगैर सोए साइड हो जाते हैं, वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। लगता है सठिया गए गुलेर जी। मैं सठिया गया? मुबारक हो मुबारक हो, सुना है शादी के बाद सारे सटिया जाते हैं, मैं सटिया गया कौन सी बड़ी बात है? बिल्लो, एक्सक्यूज मी सरदार जी, टाइम क्या हुआ है? साइड तो नहीं कर रहे मेरे साथ? जी एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? क्या फायदा, क्या फायदा टाइम पूछ के? आज आप टाइम पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, कुछ देर बाद आप नाम पूछेंगे मैं बता दूंगा, फिर आप मुझसे पता पूछेंगे मैं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा आप मुझे पता बताएंगी, मैं आपके यहाँ आऊंगा आप मेरे पास आएंगी, आना जाना बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, आप मेरे घर आएंगी, मेरी बीवी को शक होगा। लेकिन सरदार जी मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। ओ ऐसा टाइम आ गया, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। देखिए टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आज ऐसा टाइम आ गया है, दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है, हमारा खाते हमारे पे थूकते हैं, बुरा टाइम आ गया है, हर जगह टाइम बम लगे हुए हैं, ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ सकता है, हम सोच लेकिन सकते हैं। सरदार जी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज टाइम बताइए ना। देखो मैं जरूर बताऊंगा, मैं कल का टाइम भी बताऊंगा, आज के टाइम भी बताऊंगा, आने वाला टाइम भी बताऊंगा, बहुत बुरा टाइम है। देखिए मुझे आपके टाइम पे तरस आ रहा है, आपका टाइम कितना खराब आ गया, जो मुझसे टाइम पूछ रही है जिसके पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम को भी पहनता नहीं हूँ, क्या फायदा पहन के, जो अपने साथ नहीं जाएगा उसका क्या पहन के फायदा है? ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी सुन के सारे भाग जाते हैं। ओए, मैं वहां पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ कार के नीचे आराम से लेटे हो। लेटा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। लगता है तुम कोई सपना देखकर आ रही हो। हैं? इसका मतलब ना ही तुमने मुझे कल रात फोन किया था और ना ही तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। बिल्कुल नहीं, अब तुम घर जाओ, मुझे काम करने दो। काम ही करवाने आई हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई, उसे ठीक कर दो। क्या खराबी है तुम्हारी गाड़ी में? वो मुझे नहीं मालूम, मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या?
मेरे साथ ड्राइव पे चलो, गाड़ी में क्या खराबी खुद ही जान लोगे। देखो तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जब गाड़ी सचमुच खराब हो जाएगी तब आ जाना, बात करती है। ओए! ओए! जी इधर आओ। बोलो मालको। इस गाड़ी की ब्रेक, फ्यूल पंप, गियर बॉक्स और कार्बोरेटर उन्हें ठीक कर देने हैं जी। ठीक नहीं जी, खराब करने हैं। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। शुक्रिया जनाब। ओए ओए कम हियर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा ठीक कर देना। देखो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराओ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे ही अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। खामखास जिद मत करो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। बादल। हाँ अंकल। क्यों भाई, किस बात पे झगड़ा चल रहा है? देखिए ना अंकल, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कब से बोलूँ ठीक करने के लिए, मान ही नहीं रहा है। अरे भाई इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो ठीक कर दो ना। अपने केदारनाथ जी की पोती है ये गाड़ी, तो तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। बादल दयाशंकर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? जी वो घर गए। लो आ गया ये। अरे भाई दयाशंकर कहाँ की तैयारी है? बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब। अच्छा? हाँ तार आया था कि फौरन आ जाओ, पता नहीं क्या होगा। आप तो जानते हो भाई साहब, बुआ जी ने मुझे माँ के बाद पाल पोस कर बड़ा किया है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। चल बादल मैं जा रहा हूँ, अब ये दुकान तुम्हारे हवाले है। आप फिक्र मत कीजिए। पता नहीं कब लौटूंगा, चौथा तेरवा उसके बाद श्राद्ध। अरे क्यों उल्टा सीधा सोचता है तू? चल चला। ध्यान रखना दुकान चल, का। चल। बादल रानी की गाड़ी का ट्रायल जरूर ले लेना। चाहो तो इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना, ट्रायल के लिए हम कोई और गाड़ी में चले जाते हैं अभी इसी वक्त। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कहते क्यों नहीं? सामने देख के चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ एक्सीडेंट से कौन डरता है, जान जाएगी भी तो तुम्हारी बाहों में। Now say you love me, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं बोलोगे ना? तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। से खेल रही हो, जल जाओगी। जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। पागल हो? तुम्हारे प्यार में मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। मैंने पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है बादल। टूट जाओगी। मंजूर है। क्यों अपनी जिंदगी को मौत से बांध रही हो? मेरी जिंदगी तो तुमसे है बादल, अगर तुम ही नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। काके सुन। हाँ जी। ये तारा देवी माँ का मंदिर किधर है? वो सामने वाली पहाड़ी पे। जय माता दी। असला आ गया है। राणा की मौत उससे उतनी ही दूर है
जितना मैं उससे दूर हूं। नहीं काके, जल्दबाजी में किया गया हर फैसला बने हुए काम को बिगाड़ देता है। मत बोलो, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। जय माता दी।